अल मुशरिकीन मा तदउहुम इलैही। ये अल्फाज जरा गौर कीजिए, बड़ी भारी है इन मुशरिकीन पर वो बात जिसकी तरफ आप इन्हें बुला रहे हैं। ये एक अल्लाह का बंदा बन जाना आसान नहीं है, अपने मफादात पर जरब आती है। सबसे पहले अपनी लज्जतें जिनका इंसान खूगर हो गया होता है, अपनी आदतें जिनका वो आदी हो गया है, वो गुलछर्रे जो उड़ा रहा है हराम के जरिए से, ये नहीं है कि बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन उन गुलछर्रों को छोड़ने के लिए तभी आमादा नहीं है। वो चाहे निजी सतह से ले लीजिए, कौन नहीं हमें से जानता कि सिर्फ अल्लाह का बंदा बनना चाहिए, कौन नहीं जानता कि सूद हराम है, कौन नहीं जानता कि रिश्वत हराम है, कौन नहीं जानता कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग की अक्सर सूरतें हराम है। लेकिन कितने हैं यहां बैठे हुए लोगों में से जो इससे बचे हुए, कितने लोग हैं वो कि जो नमाज के बंद वक्त पाबंद, लेकिन उन्होंने वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज लिया, सूद का और महल बनाया अपने और अपनी बिल्डिंगें उठाई, ये सब कुछ क्यों है? जानता हूं सवाब दादोजोद पर तबीयत इधर नहीं आती, जहां मफादात का मामला आता है बड़ा कठिन मरहला है, बहुत मुश्किल है। जुमी गोयम मुसलमानों पे लर्जम के दाना मुश्किल आते ला जा रहा। पहली बात तो इंफिरादी तौर पर यह सूरह क़यामा में अल्लाह ताला ने इस बात को खोला है, बल युरीदुल इंसानु लियफ्तुरा अमामा, इंसान चाहता है कि जो फिस्को फजूर की जिंदगी का वो आदी हो चुका है उसको बरकरार रखे, आदी हो चुका है वो कैसे छोड़े, किस तरीके से मफादात को तज दे।